नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर पे। और आज ग्रामीण परिवेश की क्लास में जो राजस्व शब्दावली है, जो लेखपाल अपने ज़्यादातर दस्तावेजों के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग करता है, उसी शब्दावली को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ शब्दावली में मैंने कुछ शब्द लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी शब्दों को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला इसमें आता है अड्डा। अड्डा क्या होता है कि जमीन की जाँच पड़ताल करने के लिए भूमि पे एक निशान लगा लिया जाता है, भूमि पे बनाई गई माप को हम अड्डा कहते हैं, ठीक है। अगला आता है सुआ। सुआ क्या होता है? भूमि की पैमाइश के लिए एक फुट का सरिया लेखपाल बना लेता है, उसको ही जनरल भाषा में सुआ कहते हैं। अगला है मसावी। मोटे कागज पर बनी खेत की सीमाएं दर्शाने वाले नक्शे को हम मसावी कहते हैं। मोटे कागज पर बनी खेत की सीमाओं को दर्शाने वाले कागज को हम मसावी कहते हैं। अगला है अक्ष सजरा। अक्ष सजरा, सजरा का मतलब मैंने पहले भी पिछली क्लास में बताया था कि सजरा का मतलब होता है गांव का नक्शा, या गांव में गांव का पूरा जो भी जैसा भी उसकी रूपरेखा है उसको एक लाल कागज, लाल कपड़े पे लेखपाल बनाता है, उसी को सजरा कहते हैं, गांव के नक्शे को। अक्ष सजरा का मतलब होता है कि जो गांव का नक्शा है उसको हम, उसकी एक फोटोकॉपी, उसकी एक प्रति निकालें, उसी को अक्ष सजरा कहते हैं। अगला है रकबा। खेत का जो भी क्षेत्रफल है उसे हम रकबा कहते हैं, राजस्व प्रणाली से संबंधित दस्तावेजों में। अगला है गोशा। खेत का कोई भी, कोई खेत है उसका कोई एक छोटा सा भाग, उसे हम गोशा कहते हैं। अगला आता है ततीमा। खेत का बटा हुआ भाग, उसे हम ततीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शब्दावली है, फिर से देख लीजिए। अड्डा, जमीन की जांच पड़ताल के लिए भूमि पर बनाई गई माप, सुआ, पैमाइश के लिए एक फुट का सरिया, मसावी, मोटे कागज पर बनी खेत की सीमाएं दर्शाने वाला नक्शा, अक्ष सजरा, नक्शा की प्रति या कॉपी, रकबा, खेत का क्षेत्रफल, गोशा, खेत का भाग, और ततीमा, खेत का बटा हुआ भाग। राजस्व प्रणाली में जो विभिन्न दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको भी अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों का, आप कह सकते हो अलग अलग शब्दों का यूज या इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर के लिए शुमाल, उत्तर दिशा को शुमाल कहते हैं, दक्षिण को जनूब कहते हैं, पूर्व दिशा को सर्ग कहते हैं, और पश्चिम को गर्भ कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं कि उत्तर दिशा को राजस्व शब्दावली में शुमाल कहा जाता है, दक्षिण दिशा को जनूब कहा जाता है, पूर्व दिशा को सर्ग कहा जाता है, और पश्चिम दिशा को गर्भ कहा जाता है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगले शब्द आते हैं इसमें गिरदावर। इसको कानून को भी बोलते हैं या रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण करने वाला जो भी अधिकारी होता है, जो लेखपाल के जितने भी काम होते हैं वो सही से कर रहा है, या जो भी एक मानक है, स्टैंडर्ड है, वहां तक वो उन कार्यों को प्रतिपादन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए जो अधिकारी होता है उसको हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर या गिरदावर या कानून को बोलते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? तो वो कानून को करता है, ठीक है, या गिरदावर करता है। तो ये हो गया आपका एक शब्द गिरदावर। अगला आता है शामलात या साझी भूमि। तो संयुक्त मालिकाना हक वाली भूमि को हम शामलात या साझी भूमि कहते हैं। अगला है मुजारा। वह व्यक्ति जो खेत जोतने के एवज में मालिक को लगान देता है, वह व्यक्ति जो खेत जोतने के एवज में मालिक को टैक्स देता है या लगान देता है, उसे हम मुजारा कहते हैं, ठीक है। तो मुजारा वह व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है। आपने गांव में देखा होगा कि जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, सेठ लोग होते हैं, वो अपने खेत को दूसरों को, दूसरे गरीब लोगों को दे देते हैं जो उस पर खेती करते हैं, और उसके बदले में जो भी अनाज होता है उसको आधा आधा बांट लेते हैं। तो ऐसा आप कह सकते हो कि वह व्यक्ति जो खेत जोतने के एवज में मालिक को, सरकार को नहीं यहाँ पे, मालिक को लगान देता है, उसे हम मुजारा, उस व्यक्ति को मुजारा कहते हैं। अगला है नहरी। तो नहरी नाम से ही पता चल रहा है, नहर द्वारा सिंचाई की जाने वाली भूमि को नहरी कहते हैं। अगला नहर चहरी। ऐसी भूमि जहां पे नहर और कुएं दोनों द्वारा सिंचाई की जाती है, नहर का भी यूज किया जाता है और कुएं से भी पानी का प्रयोग किया जाता है, उसको हम नहर चहरी कहते हैं। अगला शब्द आता है चाही। केवल कुएं द्वारा सिंचित भूमि को
चाही कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए सारे शब्द, गिरदावर कानून को या इसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, जो लेखपाल द्वारा किए गए सभी कार्यों का निरीक्षण करता है। शामलात या साझी भूमि, संयुक्त मालिकाना हक वाली जमीन को साझी भूमि या शामलात कहते हैं। मुजारा वह व्यक्ति होता है जो खेत को बनाने के या जोतने के एवज में मालिक को लगान या टैक्स देता है, उसको हम मुजारा कहते हैं। नहरी, नाम से ही पता चलता है, नहर द्वारा सिंचित भूमि को नहरी कहते हैं। नहर चाहरी, नहर एवं कुएं द्वारा सिंचित भूमि को नहर चाहरी कहते हैं। चाही भूमि को हम केवल कुएं द्वारा सिंचित भूमि को चाही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, चाही मुस्तार अगला शब्दावली है। चाही मुस्तार, तो खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि को हम चाही मुस्तार कहते हैं। खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि को चाही मुस्तार कहा जाता है। ठीक है, आपके सारे किसान जो होते हैं, सारे काश्तकार या किसान आप कह सकते हो, लघु किसान जो छोटे किसान होते हैं जिनके खेतों में बोरिंग या ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ है, तो पड़ोस के खेत से जो अगर ट्यूबवेल की व्यवस्था है या कहीं दूर से, तो वहाँ से पानी का जो भी वो यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने खेत में, उसको पेमेंट करके, उसका पेमेंट करके भुगतान करने के बाद उस पानी को अगर अपने खेत में यूज़ करते हैं तो उसे चाही मुस्तार कहते हैं। खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि। बरानी, बरानी भूमि वो होती है जो वर्षा पे आधारित है। ऐसी भूभाग, ऐसी खेती, ऐसी कृषि जो पूरी तरीके से वर्षा पर आधारित है, लेखपाल अपने दस्तावेजों में ऐसी भूमि को बरानी शब्द से इंगित करेगा, बरानी शब्द से बताएगा। ठीक है, अगला है बंजर जदीर, तो चार फसलों तक खाली भूमि। होता क्या है कि अगर हम कृषि किसी भूमि पर करते हैं और लगातार उस पर कृषि करते चले जा रहे हैं और एक ही तरीके की फसल को हम उस पर उगा रहे हैं, है ना, मिश्रित खेती नहीं कर रहे हैं, एक ही तरीके की फसल को बहुत लंबे समय तक उगाते हैं, तो होता क्या है कि उन फसलों की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो ज़्यादा गहराई तक नहीं, एक ही लेवल से जमीन से सारे खनिज पदार्थों को, सारे विटामिन्स को वो यूज़ कर लेती हैं, तो एक थोड़े समय के बाद वो जमीन की जो उपजाऊ, जो उत्पादक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ऐसी जमीन को हम थोड़े समय के लिए मतलब छोड़ देते हैं, उसमें कोई भूमि से कोई भी फसल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो अगर चार फसलों के लिए, चार फसलों तक कोई भूमि खाली पड़ी हुई है तो उसे बंजर जदीर कहते हैं, और अगर वो फसल, वो भूमि आठ फसलों तक के लिए खाली पड़ी हुई है तो उसे बंजर कदीम कहते हैं। अगला आता है नौतोड़, अकास्त भूमि को कास्त योग्य बनाना। अकास्त भूमि मीन्स ऐसी भूमि जो अनुपजाऊ है, जिसमें से कृषि करने योग्य भूमि नहीं है, उस भूमि को कास्त योग्य बनाना, डिफरेंट कह सकते हो भिन्न भिन्न फर्टिलाइजर्स को यूज करके, उर्वरकों को यूज करके उसको ऐसा बनाना कि उस पर खेती की जा सके, तो अकास्त भूमि को कास्त योग्य भूमि बनाना, उसको नौतोड़ कहते हैं। तो चाही मुस्तार, खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि। बरानी, वर्षा पर निर्भर भूमि। बंजर जदीर, चार फसलों तक खाली भूमि, और क्यों खाली छोड़ रहे हैं ये मैंने बताया। बंजर कदीर, आठ फसलों तक खाली भूमि, लंबे समय तक, थोड़ा और समय को मतलब उसकी उत्पादकता, ताकि जो एटमॉस्फेयर में, जो पर्यावरण में डिफरेंट मिनरल्स अवेलेबल है और उसमें जो खरपतवार उगे, वो मिट्टी की उत्पादकता को, उपजाऊ जो है वो बढ़ा सके। नौ तोड़, अकास्त भूमि को, ऐसी भूमि जो कृषि करने योग्य नहीं है, कास्त योग्य मीन्स कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना, उसको हम नौ तोड़ कहते हैं। ठीक है, ये राजस्व शब्दावली के कुछ और शब्द है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, अगली शब्दावली, राजस्व शब्दावली को देखते हैं। कल्लार, तो कल्लार शब्द का प्रयोग लेखपाल उस भूमि के लिए करता है जो बंजर है और जिसमें ज्यादातर शोरा कंटेंट, सल्फर कंटेंट आप कह सकते हो, ज्यादा पाया जा रहा है या शोरा ज्यादा पाया जाता है, तो अनुपजाऊ भूमि, शोरा युक्त बंजर भूमि को हम राजस्व शब्दावली में कल्लार कहते हैं। अगला है चकौता, नगद लगान देना या नगद लगान को जमा करना, उस नगद लगान को चकौता कहते हैं। हिब्बा, उपहार की हुई भूमि के लिए जो लेखपाल है वो हिब्बा शब्द का प्रयोग करता है अपने राजस्व कार्यलेख में। अगला है बेय, भूमि को बेच देना, बेय भूमि को बेच देना के लिए शब्दावली जो यूज होती है उसे हम बेय कहते हैं। अगला है तबादला,
भूमि के बदले भूमि, इसको तबादला कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप देखते हो जब भी चकबंदी होती है, और चकबंदी ज्यादातर मतलब जो नियम है उसके हिसाब से हर 20 वर्ष बाद जो विभिन्न प्रकार के किसानों के खेत हैं तो उसको एक चक में परिवर्तित करने के कार्य को चकबंदी कहते हैं, और चकबंदी अधिकारी करता है उस कार्य को, हर 20 वर्ष बाद प्रस्तावित है। तो तबादला होता है भूमि के बदले भूमि को लेना, उसी को तबादला कहते हैं। फर्द होता है एक तरीके से भूमि की नकल। गोरा देह, गांव के साथ लगती हुई भूमि को गोरा देह भूमि कहते हैं। बहुत सारे खेत आप ऐसे देखोगे, गांव है और उससे लगे हुए खेत हैं, तो जो बिल्कुल गांव के साथ लगती हुई भूमि है या जमीन है उसे गोरा देह कहते हैं। अगला है मालगुजारी, सब लोग जानते हैं भूमि कर या लगान को मालगुजारी कहते हैं। दाखिल खारिज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दाखिल खारिज में क्या होता है कि विक्रेता के नाम को मालिकाना हक से निरस्त करके, जो विक्रेता है जिसने अपनी जमीन को बेच दिया है उसके नाम को मालिकाना हक से निरस्त करके क्रेता के नाम को मालिक के रूप में दर्ज करना ही दाखिल खारिज कहलाता है। दाखिल खारिज एक प्रोसेस होता है जिसमें क्रेता जो है उसको मालिक के रूप में दर्ज कर दिया जाता है भूमि पर, मतलब विक्रेता के नाम को हटाकर निरस्त करके, उसके मालिकाना हक को निरस्त करके क्रेता के मालिकाना हक को देना, यही दाखिल खारिज कहलाता है। तो फिर से देखिए, कल्लार शोरायुक्ति भूमि जो बंजर है, जो अनुपजाऊ है। चकौता, नगद लगान को चकौता कहते हैं। हिब्बा, उपहार दी हुई भूमि, गिफ्ट। बेह, भूमि को बेच देना, बेह कहलाता है। तबादला, भूमि के बदले भूमि चकबंदी में जो ज्यादातर होता है उसको तबादला कहते हैं। फर्द मीन्स नकल। गोरा देह भूमि, गांव के साथ लगी हुई भूमि को गोरा देह भूमि कहते हैं। मालगुजारी, भूमि कर या लगान को मालगुजारी कहते हैं। दाखिल खारिज, विक्रेता के नाम को क्या करना, निरस्त करना, या उसके मालिकाना हक को निरस्त करके जो क्रेता है उसके मालिकाना हक को दर्ज करना ही दाखिल खारिज कहलाता है। ठीक है, तो ये जो राजस्व शब्दावली से महत्वपूर्ण रिलेटेड जो शब्द थे उनको मैंने इसमें कंप्लीट किया है, और इसकी एक क्लास मैंने लास्ट में जो इसका एक कक्षा हुई थी, एक क्लास हुआ था, लेक्चर हुआ था। अब अगले में जिले का विभाजन और कार्यों के आधार पर जो राजस्व की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से जो लेखपाल के विभिन्न कार्य हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे और ग्रामीण परिवेश में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कृषि और विभिन्न प्रकार की फसलें, व्यावसायिक फसलें, फल, ये सारी चीज़ें मैं आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।